नमस्कार, असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। भिस्ताडम कोच ने पर्यटकों के आकर्षण और सुविधा हेतु तिनसुकिया नाहरलगन पैसेंजर ट्रेन को पार्श्वस्त किया है। आने वाले 23 अक्टूबर से न्यू तिनसुकिया रेलवे स्टेशन से असम अरुणाचल की सीमा से सटे नाहरलगन स्टेशन तक ये भिस्ताडम कोच अटैच किया जाएगा। भिस्ताडम कोच ने पर्यटकों के आकर्षण और सुविधा के लिए तिनसुकिया नाहरलगन पैसेंजर ट्रेन को पार्श्वस्त किया है। ट्रेन के सफर में अन्य पर्यटन आराम देने के लिए 2017 में पहली बार विशाखापट्टनम और अराकू के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन से इस भिस्ताडम कोच को अटैच किया गया था। आने वाले 23 अक्टूबर से न्यू तिनसुकिया रेलवे स्टेशन से असम अरुणाचल की सीमा से सटे नाहरलगन स्टेशन तक 44 सीटों वाला एक भिस्ताडम कोच अटैच किया जाएगा। इस कोच का टेस्ट सफर न्यू तिनसुकिया से डिब्रूगढ़ तक खत्म हो गया है। मार्ग के दोनों ओर प्राकृतिक वातावरण के सुंदर आनंद की सुविधा के लिए बनाई गई कोच में पर्यटकों के लिए सभी सुविधाएं हैं। यह ट्रेन हफ्ते में 4 दिन चलेगी। पर्यटकों के साथ साथ सभी श्रेणी के यात्री भिस्ताडम पर यात्रा कर सकते हैं। हालांकि किराए पर शताब्दी एक्सप्रेस के समान राशि खर्च करनी होगी। हर सीट पर मोबाइल चार्ज करने के लिए सुविधा होने के साथ साथ ऑडियो वीडियो बाय टॉयलेट एवं वाईफाई की भी सुविधा उपलब्ध होगी। पैसेंजर के फन की सभी सुविधाएं इस भिस्ताडम कोच में उपलब्ध होंगी। ट्रेन है ये, पहले तिनसुकिया टू नाहरलगुन पहले चलता था ये ट्रेन। ये जो भिस्ताडम कोच आया है, इस भिस्ताडम कोच बेसिकली टूरिज्म का पर्पस के लिए इंडियन रेलवे इंट्रोड्यूस किया है। और पहले ये बॉम्बे टू गोवा जो सर्किट उसमें चला था, और अभी बहुत सारे जगह में चल रहा है। इंडियन रेलवे में हमारा अलीपुरद्वार टू ये NJP और ये न्यू हाफलॉन्ग टू गुवाहाटी इसमें चल रहा है। और ये जो स्ट्रेच है दिस अरुणाचल एंड दिस प्लेस फ्रॉम तिनसुकिया टू बोगीबील ब्रिज देन पैडी फील्ड्स बियॉन्ड नॉर्थ लखीमपुर एंड रेन फॉरेस्टेस एंड अरुणाचल हिल्स, यू गॉट ए ब्रेथ टेकिंग व्यू इफ यू गो अक्रॉस दिस रूट। तो इसलिए हम लोग सोचा कि टूरिज्म पर्पज़ के लिए दिस इज द बेस्ट रूट वेयर वी कैन रन दिस भिस्ताडम कोच। और जैसे आप अभी देखा है इसमें, ये जो ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें फॉरेन में स्विट्जरलैंड UK US हर जगह में चलता है। तो इसमें बेसिकली एक है कि वो साइड विंडो, बहुत बड़ा साइड विंडो है, ग्लास विंडो है। ये जो ऑब्जर्वेशन डेक आप दिख रहे हो, इसमें आपको पूरा 360 डिग्री व्यू मिलेगा। और इसमें मतलब यू कैन ऑल्सो टेक सेल्फीज इन एडिशन टू बीइंग देयर। और रूफ ऑल्सो ग्लास रूफ है, एंटी ग्लेयर रूफ है विच कैन बी ट्रांसलूसेंट ऑल्सो। और उसका बाद इन एंटरटेनमेंट सिस्टम ऑल्सो है, वीडियो ऑन डिमांड, इसमें भी आप देख सकते हो। 360 जो सीट है उसको 180 डिग्री घुमा सकते हैं आप इसको, तो इसमें आपको बेस्ट व्यू मिलेगा। और इसका फेयर जो है वो फेयर इज बेसिकली एग्जीक्यूटिव क्लास ऑफ शताब्दी, तो इतना फेयर ऑल्सो इज नॉट रियली वेरी कॉस्टली फॉर ए ट्रैवलर। तो हम लोग इसको जो रखा है, इट इज़ फॉर लोकल टूरिस्ट आज वेल एज द फॉरेन टूरिस्ट, जैसे टूर पैकेज जैसे जो आ रहे हैं उनके लिए भी है, प्लस लोकल टूरिस्ट जो यहाँ से जा रहे हैं उनके लिए भी, मतलब प्राइस इतना है कि उनको भी डिफिकल्ट नहीं है। ये सर सप्ताह में कौन कौन दिन तिनसुकिया से तिनसुकिया वो 4 दिन चलेगा इसमें, सैटरडे संडे मंडे एंड थर्सडे यहाँ से, फिर वहाँ से भी वही सैटरडे संडे, तो दोनों जगह से चलेगा और 2 दिन चलेगा यहाँ से। न्यूज डेस्क रिपोर्ट असम। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गहपुर के एक प्रमुख पत्रकार रमेन बोड़ा ने स्वतंत्रता सेनानियों के नाम की पृष्ठभूमि में रचित एक देशभक्ति गीत लिखकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने में सफलता हासिल की है। गहपुर के एक प्रमुख पत्रकार रमेन बोड़ा अपने काम के व्यस्तताओं के बीच भी संगीत के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। उन्होंने
स्वतंत्रता सेनानियों के नाम की पृष्ठभूमि में रचित एक देशभक्ति गीत के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करने में सफलता हासिल की। पत्रकार जी के इस सफलता ने पूरे गहपुर के साथ साथ असम के लिए भी गर्व का माहौल बनाया है। कब लगे इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड जी गानों कारण मैं आज नाम सन्निविष्ट सक्षम हो सीट आसलते मोर निजे एट गौरव से गहपुरिया हिसाब से क्यों 1942 भारतीय आंदोलन गहपुर अवदान जथेष भारत प्रथमगढ़ कनिष्ठ महिला शहीद आम गहपुरे कनकलता बरवा और इफाले मुकुंद काकती आखे दूजर नाम उपरी अन्य 26 मोट 28 स्वाधीनता संग्रामी नाम सन्निविष्ट मैं ये गीत तो लिखी मैं कनकलता मुकुंदरे गहपुर डेका जी गीत कण्ठदान करे बरंगाबाड़ी मर्निंग स्टार हाईस्कुल परिचालन संचालक तथा तो विशिष्ट संगीत शिल्पी जादव सलिहादेवे और गीत सुर कर बरंगाबाड़ी ज्येष्ठ संगीत शिल्पी विजय बरादेवे और गीत संगीत व्यवस्थापना करे नारायणपुर उदीयमान मोर भातृप्रतिम मानसप्रतिम बराय और जीतु राइजे कैसे जो एक 28 शहीद मुक्ति जुजारों नाम सन्निविष्ट गीत आगते सम्भवतः हुआ ना सीटर कारण मैं सहस पाल इंडिया बुक्स अफ रेकर्डस तथ्यसह मैं आवेदन जानवे मैं समर्थ हलो। गहपुर से राजीव बड़ा की रिपोर्ट असम आदित्य। दुर्गा पूजा में बांग्लादेश के 22 जिलों में हुए हिंसक घटना के विरोध में आज डिब्रूगढ़ में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने एक विरोध रैली निकाली। दुर्गा पूजा में बांग्लादेश के 22 जिलों के पूजा मंडपों पर हुए हमले, इस्कॉन मंदिर में घुसकर मंदिर का विग्रह तोड़ने के साथ साथ बांग्लादेशी मुसलमानों ने हिंदुओं की हत्या, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार करने के विरोध में आज डिब्रूगढ़ में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की डिब्रूगढ़ जिला कमेटी ने एक विरोधी रैली निकाला। संगठन ने बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना मुर्दाबाद, बांग्लादेशी मौलवादी मुर्दाबाद, हिंदुओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इत्यादि नारों के साथ सड़कों पर उतर आए। विरोध कर रहे संगठन ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आकर विरोध प्रदर्शन करने के बाद बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले को शीघ्र बंद करने का व्यवस्था ग्रहण करने के लिए डिब्रूगढ़ जिलाधिकारी के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेजा विरोधी संगठन ने। बांग्लादेशी सरकार एक यारे पदक्षेप ला ना तारबाद आज बजरंग दल जिला भारत जिला आज बजरंग दल कार्यसूची ला और जदे बांग्लादेशी सरकार एक जो कार्यक्रम जो नल यार ऊपर तो आम बजरंग दल तरफों कार्यक्रम ला हम और बांग्लादेशी मियाक इारुसियार कर और बांग्लादेशी सरकार एक सोधा जो सिपाजार जी कार्यक्रम हो तार प्रत्युत्तर ये दीसे निकी तार प्रत्युत्तर जो दीसे तेंते बांग्लादेशी मिया इतना बहुत आसे तो बजरंग दलों तार प्रत्युत्तर दी जो इार कभी कार्यक्रम जो तहत नल तो यार प्रत्युत्तर बजरंग दल दिया हम। न्यूज डेस्क रिपोर्ट असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 20 अक्टूबर की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1568 में मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया था। 1740 में मारिया थेरेसा ऑस्ट्रिया हंगरी और बोहमिया की शासक बनी थी। 1774 में कोलकाता तत्कालीन कलकत्ता भारत की राजधानी बनी थी। 1822 में लंदन संडे टाइम्स का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। 1880 में एम्स्टर्डम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 1946 में वियतनाम की डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन सरकार ने 20 अक्टूबर को वियतनाम महिला दिवस के रूप में घोषित किया था। 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था और अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत के अंदर तक प्रवेश की कोशिश की थी। 1973 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी में ओपेरा हाउस को पहली बार जनता के लिए खोला गया था। 1995 में श्रीलंका क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज को हराकर शारजाह कप फाइनल ट्रॉफी अपने नाम किया था। 1998 में मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम
पांचवी बार पुनः राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे। 2004 में ब्रिटेन का प्रतिष्ठित साहित्य सम्मान एलन हॉलिंगहर्स्ट को मिला था। 2007 में अली लारिजानी के त्याग पत्र के बाद ईरान के विदेश उपमंत्री सईद जलाली नए प्रमुख परमाणु वार्ताकार बने थे। और इसी साल अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने म्यांमार के सैन्य शासकों के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। 2008 में आरबीआई ने रेपो दर में 1% की कटौती की थी। और आज ही के दिन सन 2011 में लीबिया पर 40 साल तक राज करने वाले तानाशाह मोहम्मद गद्दाफी को गृह युद्ध में मारा गया था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।